इस सब को हम लोग जान सकते हैं आज के दिन को। और जैसा कि आज हम लोग हर शुरुआत के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम उसके गंभीर बातों को सुनें, सीखें और समझें। हाँ प्रिय, सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने बड़े प्रेम को हमारे ऊपर उंडेला है। और आज जब उसने उस तलवारी क्रूस में होकर के बड़े प्रेम के साथ, बड़े उदारता के साथ हमें जब अपने मुख के द्वारा जब सात क्रूस वाणी को हमारे लिए कहा है, उसके लिए जरूर कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन में, हम मसीहियों के जीवन के लिए वो विचार और विमर्श करने की जरूरत है। तो जैसा कि हमने सुना, उसके यीशु मसीह के द्वारा कहा गया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो एक बहुत ही कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि जब वो एक दिन पहले जब वो प्रार्थना कर रहे थे बड़ी वेदना के साथ, और वे परमेश्वर को पुकार रहे थे और वो कह रहे थे अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से चल जाए। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो हम लोगों के लिए वो अपना क्रूस में अपना बलिदान दे, और उसी आज्ञाओं को वो पूरा करने के लिए इस जगत में आया। और जब वो इस जगत में आ करके भिन्न भिन्न तरह से अपने उद्देश्यों के द्वारा लोगों को बचाने के लिए जब प्रचार प्रसार करने लगा, और वही लोग जो उनको चंगा किए, जिनको दुष्टात्मा से बचाया गया, और हर वे लोग जिनको वो ये ऐसा सुसमाचार देने के लिए वो आया था, वही लोग और हम लोग भी आज उसको क्रूस में चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। आज जब हम उसकी गंभीरता को सुनेंगे कि वो क्यों हमें इन बातों को हमें बतलाना चाहता है, तो हम सीख पाएंगे कि आखिर क्यों। मैं अपने बारे में बतलाना चाहती हूँ कि जब मेरे को ये वचन दिया गया, मैं एक तरह से बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए कि मैं ये पहला क्रूस वाणी नहीं बोलना चाहती। ऐसा कुछ हुआ था मेरे जीवन में कि मैं किसी से बहुत दुखी हो गई और मैंने कुछ अपशब्द उनको बोल दिया और मैं उनसे क्षमा नहीं मांग पा रही थी। मैं प्रार्थना कर रही थी लेकिन मैं उन्हें क्षमा नहीं मांग पा रही थी, और मैं कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रही थी कि अगर मुझे वो स्वामी मिलता भी है तो ये वचन ना मिले। लेकिन जो परमेश्वर है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो जब प्यार करता है तो वो चाहता है कि हम उनके स्वरूप में आगे बढ़ें, क्योंकि वो नम्र और दीन है। और वो शायद मुझे पुकार रहा था कि नहीं बेटे, मैं तुम्हें चुन के ये वचन दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे स्वरूप में होकर के उस बात में आगे बढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब मुझे ये वचन मिला तो अचानक से लगा कि ये वचन मुझे क्यों मिल गया। फिर ऐसा हुआ कि मैं बहुत प्रार्थना करने लगी कि मुझे अगुवाई मिले कि मैं इस वचन के द्वारा जिससे मैं दुखी हूँ उसको मैं उनसे मैं माफ़ी मांग सकूँ। और ऐसा हुआ क्योंकि हम मनुष्य जाति के द्वारा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर अहम है, हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ही सही है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने नम्र स्वभाव के साथ हम हर एक को बनाना चाहता है, तो आज उसके द्वारा मुझे अगुवाई हुई, तुमको नम्र बनना पड़ेगा। और अगर ये मैं खुद करती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, मैं बहुत रोई और मैं बहुत उससे प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आपके जैसा बनाइए, क्योंकि आया सॉरी बोलना बहुत आसान है, लेकिन दिल की गहराई से उससे क्षमा करना या उससे माफी मांगना वो बहुत कठिन है।
शिवाय मेरे यीशु मसीह के अलावा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों इतनी दुखी थी और मैंने किससे क्षमा मांगा, ये मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। तो जो यीशु मसीह है वो अपने नम स्वभाव को हमको देना चाहता है। इस तरह ने एक दिखावे के लिए नहीं कि हम बस आई एम सॉरी बोल दें या मुझे माफ कर दो बोल दें, हमें दिल की गहराई से, क्योंकि हमें वो हमें अपने स्वभाव के बारे में बतवाना चाहता है, अपने स्वभाव को हमें देना चाहता है। जैसा कि ऊपर अगर हम देखेंगे 31 में तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं होगा। ये एक चेतावनी है हमारे लिए, एक ऐसा चेतावनी जो हम समझ सकते हैं, ये हो सकता है अभी के समय में हो या फिर जब तक हम इस जगत में हैं। मैंने एक और बहुत बड़ी बात को सीखी है इस साल जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि हमारा जीवन काल जब हम जन्म लेते हैं वो हमें पता होता है कि हम कब, हमें हर एक को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन हम किस दिन जाएंगे ये हम लोग किसी को नहीं पता है। हो सकता है आज, कल या परसों, ये हम लोग को नहीं पता है। यहां पर जो यीशु मसीह का जो पवित्र वचन जो हमें चीख चीख के बोल रहा है कि अब बदल जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने क्रूस को पीछे लेते हुए या कोई बोझ को लेके हम लोग मर जाएं उस दिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हमें ये बोलने का, हम लोग को ये सोचने का मौका मिले, मौका ना मिले कि प्रभु मुझे वेट, मेरा एक मिनट वेट कीजिए, मैं उन्हें सॉरी बोल के आता हूँ जैसे मेरे साथ हुआ। आज वो कहना चाहता है हम में से किसी के साथ भी अगर वो कोई मन उठाव है तो प्रियो आज क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि मैंने उस चीज को बहुत गहराई से उसको समझी। एक बहुत दर्द और एक बहुत बोझ के साथ मैं चल रही थी, हर चीज मैं ढूंढ रही थी और जब मैं अकेली होती थी तो मैं रोती थी। जो हम लोग एक वचन, हम लोग एक कहानी को जो देखे हैं, एक गरीब और एक धनी व्यक्ति था, और धनी व्यक्ति और गरीब दोनों व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो वो धनी व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे को एक मौका दीजिए कि मैं अपने भाई और बहनों को बोल करके आऊंगा कि आप लोग फिर जाओ, तो वो मौका नहीं आया। तो आज जब वक्त है तो हम लोग उसकी ओर फिरे। प्रभु यीशु मसीह जब से उस इस जगत में आए कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए उनको पछतावा हो। वो पूरी तरह से पवित्र और वो शुद्ध थे पूरी तरह से, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं, हमें शैतान हमारे चारों ओर हमें फाड़ने के लिए, हमें चीरने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है, और हमें उस अनंत जीवन में हम तभी जा सकते हैं जब हम उसके स्वभाव में आगे बढ़ेंगे। और वो अगर आज अगर बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे भविष्य लगता है जो कहीं ना कहीं इन बातों को आजकल बतलाया जा रहा है कि अब मन फिराओ, सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हमें वो पता नहीं है जिस तरह से नूह के समय में हुआ था, जिस तरह से वो यमुना के भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था मन फिराओ, कहीं आज ऐसा नहीं कि हमें किसी को भी नहीं पता है कि वो अंत का समय कब आएगा। और जब हम उनके
प्रेम में और उसके वचन में, उसके स्वभाव में अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम हमेशा उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रियो हम अकेले मनुष्य जाति से वो मसीह वचन हमारे जीवन में नहीं आ सकती है, क्योंकि शैतान हमारे चारों ओर रहता है ताकि हम बहकावे में आ जाए। तो हमें आवश्यकता है कि हम उसके वचनों के साथ उसके अगुवाई में होकर के, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं कर सकते, यह बहुत जगह वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम बढ़ना भी चाहते हैं तो हम अकेले भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक शारीरिक मनुष्य हैं। हमें आत्मा में होकर के, परमेश्वर की आत्मा के साथ होकर के हमें बढ़ना पड़ेगा, और हमें उस नम्र और दीन स्वभाव के साथ होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब हमारे विरुद्ध में कोई बोल रहा होता है, सामने बोलता है तो हम लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बोलता है किसी के द्वारा अगर हम लोग सुन लेते हैं तो हम लोग बहुत दिन तक पूछते रहते हैं उनके प्रति, बहुत दिन तक। लेकिन जब आज ये इस क्रूशवाणी को जब हम लोग सुन रहे हैं, फिर जब हम लोग इसके पहले पढ़ेंगे तो हम लोग देख पाते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती है वो तीसरे पहर को होती है, उससे पहले से बृहस्पतिवार की रात से ही उसको बहुत सारी ताड़ना और यातनाएं, उनके ऊपर थूका जाता है, उनको कोड़ा लगता है, उनको बहुत सारी ऐसी बातों से प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि हम लोग भी बोलते हैं जो बोला हुआ जख्म बहुत गहरा होता है, शारीरिक प्रताड़ित प्रताड़ना के अलावा जो कोई बोल देता है तो हम लोग बोलते हैं वो दिल से लग जाता है। यीशु मसीह के साथ तो हर लोग वहां पर एक पूरा एरिया में सारे लोग इकट्ठे होकर के उसे देख रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा मेमना था जो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि वो सब कुछ बोल चुका था पहले, और वो अपनी दीन स्वभाव और अपने नम्र स्वभाव के साथ हमारे बीच में आया था, और वो उस समय कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्या हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है? मेरे साथ तो हम बता दिए कि हम ऐसा कर सकते, हम लोग को नहीं सह सकते अगर कोई हम लोग के विरुद्ध में कुछ बोलता है या हम लोग को कोई ठेस पहुंचाता है, लेकिन आज यीशु मसीह हम लोग को बोलता है कि हमें नम्र बनना है। और एक बहुत अच्छा बात जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर हम इनकी इसकी गंभीरता को अगर सीखेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये सचमुच एक्चुअल में जो शैतान है हम मनुष्यों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष करने के लिए। तो आज हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग उस शैतान को हराएं, और उस शैतान को हराने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा से मिल करके हम हरा सकते हैं। उसके लिए हमें उनसे सहमत होना पड़ेगा, प्रभु ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, मैं उससे उसके सामने वो नम्र नहीं दिखा पा रही हूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा है, आप मेरे पे आकर के उस चीज को आगे बढ़ाएं। क्योंकि प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वो सब उसमें तुम्हें मिल जाएंगे। तो हमें उसके राज्य और उसके धर्म की खोज उसकी गंभीर बातों के साथ होकर के करना होगा, उनसे सामर्थ मान करके उसे करना होगा। और जब हम लोग यहाँ सुनते हैं, यहाँ जब वचनों को सुनते हैं, विचारों को हम लोग एक दूसरे से के सामने प्रकट करते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रेरणा है, इसके द्वारा हम लोग आशीषित हो भी सकते हैं और नहीं, लेकिन आशीष हम लोग तभी पाएंगे जब हम लोग उनसे आत्मिक रूप से होके और व्यक्तिगत रूप से,
क्योंकि हमारा जो जंग है वो व्यक्तिगत है। जब हम लोग आत्मा में उतर के लड़ाई करते हैं तो वो व्यक्तिगत है, वो हम एक पारिवारिक रूप में हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई है जो प्रभु यीशु हमें इस जगत में उतर के दिया है, और वो व्यक्तिगत लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और जब हम उसके सामर्थ में आगे बढ़ते हैं और वो शैतान जब वो हम हारता हुआ उसे देखते हैं तो उसे यीशु मसीह को महिमा मिलती है। तो आ जाइए हम लोग कोशिश करें, हम लोग उनसे सामर्थ मांगे हर दिन, क्योंकि शैतान हमारे कमियों को देखता है, जब हम कहां पर कमजोर हो जाते हैं और वो उसी पर अटैक करता है। तो आज हम लोग कोशिश करें कि हर दिन, क्योंकि हम लोग हर दिन भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हर दिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे सामर्थ मांगे, उनसे दुआ मांगे कि प्रभु आज की जो जंग है, आज की जो लड़ाई है, उसमें तुम मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर कि मैं आपके स्वभाव में उतर के आगे बढ़ूं। और जिस तरह से वो अपने लोगों को, क्योंकि वो जानता था कि वो शैतान है, मनुष्यों को अपने अपने कटघरे में अपने हाथ में जकड़ करके वो ऐसा प्रताड़ित कर पा रहा है, वो जानता था इस बात को, इसलिए वो कर रहा है क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो हम लोग को आवश्यकता है कि हर दिन जब हम लोग वचन में हम लोग देखेंगे सुसमाचार वचन में कि हर दिन जब यीशु मसीह जब अपने उद्देश्य के लिए जब अपने आप को तैयार करता था, उससे पहले वो रात में एकांत में जा करके वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके वो प्रार्थना किया करता था, वो सामर्थ मांगा करता था ताकि वो अगले दिन वो खुद ही वो परमेश्वर का एक अंग था, लेकिन वो अपने पिता के सहभागिता में होकर के हर कार्य करना चाहता था। वो उसकी हर एक आज्ञाओं को यहाँ पूरा करने के लिए आया था, और वो जब वो उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा किया, जैसा कि वचन कहता है कि एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से इस जगत पे पाप आ गए, और उसी एक मनुष्य के आज्ञा मानने के द्वारा सारा संसार बचाया जाता है। तो आज हमको आवश्यकता है कि जब ये आज्ञा हमारे लिए एक क्षमा का आज्ञा, और भी हम लोग आज बहुत सारे वचनों को सुनेंगे साथ पहुँचवाने की, वो इस तरह के जब अपनी गंभीर बातों को वो हमें बतलाता है, हम लोग उसके अनुसार से चलने का प्रयत्न करें। और मैंने जैसे एक बात को कहा कि जो मेरे साथ भी हो चुका, मैं अकेले वो काम नहीं कर सकती थी, और मैंने वो सामान मांगा, हम सब भी उनसे सामान मांगे। और मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है आज हमारे बीच में कि कोई किसी से दुखी है, या ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे प्रति कुछ कहा है, तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। और अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग मुंह से के द्वारा बोल सकते हैं, तो आप बोल दोगे, इससे आज प्रभु यीशु मसीह को बहुत महिमा मिलेगी। उसे लगेगा कि मैंने जो उस क्रूस पे घात होकर के मैंने जो शब्द कहा वो आज पूरा हो जाए। तो आज हम लोग को उसी नम्रता और उसके स्वभाव में होकर के हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन पर और ऐसा शिष्य